हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द पी गेमिंग। तो गाइस, आप देख सकते हो कि मैंने अभी विंडो 11 24H2 जो कि लेटेस्ट वर्जन आया है वो अब मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ आपके सामने लाइव, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी बूटेबल बना लिया है, ठीक है। आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और मैं आपको ये विंडो 11 का जो लेटेस्ट 24H2 वर्जन आया है इसकी ISO फाइल मैं आपको लिंक में दे दूंगा, मेंशन कर दूंगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये अब मैं क्लोज करता हूँ। तो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा गाइस कि आपका जो CPU है वो कैपेबल होना चाहिए 40 टेराफ्लॉप्स के, मतलब विंडो 11 की जो रिक्वायरमेंट है आप चेंज कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। जो 24H2 वर्जन है, ठीक है, उसमें बाईपास करके भी आप विंडो 11 24H2 नहीं डाल पाओगे आप, ठीक है। और ये देखिए, मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। उसमें अगर आपका CPU SSE 4.1 शो कर रहा है, SSE 4.2 भी शो कर रहा है, तो ये आपके लिए अच्छा है। यानी कि आपके में ये विंडो 11 24H2 और विंडो 12 जो आने वाली है उसमें AI फंक्शन होगा, AI फीचर्स होगा। आपको तो पता ही होगा AI क्या होता है, ठीक है। तो देख लीजिए आप, बड़े ध्यान से देख लीजिए इसको, ये होना चाहिए आपके में। अगर इससे कम हुआ तो बिल्कुल भी आपके में इंस्टॉल नहीं होगा, वो मना कर देगा, ठीक है। तो गाइस, विंडो 11 ISO फाइल तो मैं आपको दे दूंगा 24H2, ठीक है। अब हम मैं वीडियो को पॉज करूँगा, ठीक है। अब इसको कैसे इंस्टॉल करना है मैं पॉज करके और फिर मैं इसको रिज्यूम कर दूंगा, ठीक। ओके गाइस, तो मैंने कंप्यूटर को रीस्टार्ट मार दिया है, बूट क्लिक कर दिया है और इसमें यहाँ पे दो पार्टीशन दिखा रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा है इनमें से, कौन सा है, ये वाला है या ये वाला है। एक बार इसको क्लिक करके देखता हूँ मैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं आपके सामने विंडो 11 का लोगो आ चुका है। अब यहाँ पे मैं इसको मेरा गला ख़राब है, विंडो 11 इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे हम लोग 24H2। याद रहे गाइस, मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही। तो कुछ इस तरह आपके सामने शो होगा, ठीक है ना। इन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया है, देखिए। नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल नेक्स्ट। तो गाइस, आप देख सकते हैं इन्होंने बिल्कुल ही चेंज कर दिया है फीचर। इंस्टॉल विंडो 11, रिपेयर माय PC। अगर आपके पास विंडो 11 है तो ये रिपेयर कर देगा इसको, ठीक है। तो मैं आई एग्री विल बी डिलीटिंग इंक्लूडेड फाइल्स एंड एक्सेस सेटिंग्स। तो गाइस, यहाँ पे इंस्टॉल विंडो 11 पे क्लिक करना पड़ेगा मुझे। मेरे पास अभी की नहीं है और मैं अभी आई डोंट हैव ए प्रोटेक्ट की। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे विंडो 11 होम है शो कर रहा है और विंडो 11 होम एन सिंगल लैंग्वेज। तो हम किस पे क्लिक करेंगे, देखिए बहुत सारा है इसमें। तो ये मैं आपको ISO फाइल दे दूंगा, मैं क्लिक करूँगा विंडो 11 प्रो पे, ठीक है। मुझे गेमिंग के लिए चाहिए ना, तो मैं गेमिंग में ज़्यादा वो नेक्स्ट कर देना है। बस आपको एग्रीमेंट पढ़ना है थोड़ा बहुत, बस नेक्स्ट कर दीजिए। सर्चिंग फॉर डिस्क, ठीक है। मेरे में 2 SSD लगी हुई है, एक 250 GB की लगी हुई है सैमसंग की और एक लगी है WD की ब्लू वाली और 500 GB की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पार्टीशन दिखा रहा है, ठीक है। तो गाइस, बिल्कुल ये फीचर चेंज कर दिया है इन्होंने। कैमरा थोड़ा हिल रहा है, एक मिनट, ठीक है। तो हमें इस पर नहीं डालना, यहाँ पे मेरे गेम्स हैं तो मैं नहीं चाहता इसको, मैं पार्टीशंस को डिलीट करूँ, ठीक है। तो ये रहा प्राइमरी, इसको हम लोग को फॉर्मेट मानना है, ठीक है। विंडो एक्स लाइट को फॉर्मेट पार्टीशन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो,
ये सारा कुछ शो कर रहा है गाइस, सारा कुछ। इसको हम फॉर्मेट मारेंगे, फॉर्मेट पार्टीशन। अभी थोड़ा वेट, हाँ जी हो गया। ये देखिए एक बार और मारते हैं। एक बार और, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट कर देते हैं हम लोग। गाइस याद रहे, अब ये कितना मतलब ये कंज्यूम कर लेगा विंडो 11, कितना स्पेस ले लेगा, क्योंकि मेरा 250 GB SSD है, आई डोंट नो। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह ही आपको करना है गाइस। तो देखिए, इंस्टॉल विंडो 11 प्रो, कीप नथिंग, रेडी टू इंस्टॉल। अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, इंस्टॉल करना है। याद रहे, आपका CPU कैपेबल होना चाहिए 40 teraflops, क्योंकि ये AI है, AI फीचर्स है इसमें। तो ये देखिए गाइस, ऐसे इंस्टॉल हो रहा है। मतलब यार सही में, मतलब सब कुछ चेंज कर दिया उन्होंने। पहले कैसे होता था, आप देखिए 2%। मेरे में 32 GB रैम है, i5 8600 के 6 core वाला CPU है। ज़्यादा हाई फाई भी नहीं है, बहुत पुराना है। मेरे को भी डर लग रहा था कि जब विंडो 12 आएगी, मैंने काफ़ी यूट्यूब में देखा, लोगों का वीडियोस भी देखा, तो ही मैं बता रहा हूँ आपको कि आपके में जो AMD वाले हैं, उनके लिए भी, उनको भी चेक करना चाहिए। वहाँ पे CPUJET का सॉफ्टवेयर आता है, और उसको गूगल में सर्च करके इंस्टॉल करके अपने PC में चेक कीजिए, जैसे मैंने आपको वीडियो में शो में दिखाया कि SSE 4.1 और 4.2 दोनों होना चाहिए। उससे कम हुआ गाइस तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाली, ऐसा सभी यूट्यूबर्स बोल रहे हैं। मैंने क्या गलत बोल दिया? बाईपास करके भी आप नहीं डाल पाओगे। आप 23H2 तो डाल लिया आप लोगों ने बाईपास करके, लेकिन 24H2 में जो AI है। तो गाइस ये प्रीव्यू है, प्रीव्यू, ठीक है। तो इसमें टाइम लगेगा गाइस, ठीक है। तो पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना के दिखा दूँगा। तो आज के लिए बस।